इन ए रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 3 मीटर एंड ब्रिथ इज डिक्रीज्ड बाई 4 मीटर्स द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाई 67 स्क्वायर मीटर। यानी अपने पास कोई रेक्टेंगल है, ये रहा इसकी लेंथ मान लेते हैं हम लोग एक्स मीटर है और जो ब्रिथ है वो मान लेते हैं वाई मीटर है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे जो लेंथ थी वो तो है एक्स मीटर और जो ब्रिथ है वो है वाई मीटर। इससे पहले भी हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, वो भी सेम टू सेम इसी टाइप के थे। तो फर्स्ट इसने कहा अब इसका एरिया क्या होगा यदि हम लोग एक्स और वाई मानते हैं तो लेंथ इंटू ब्रिथ करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर मीटर इसका क्या आ जाएगा एरिया। ये तो जब एक्स और वाई इसकी लेंथ और ब्रिथ है तब होगा। अब उसने कहा कि लेंथ को क्या करते इंक्रीज करते 3 मीटर, तो लेंथ कितनी है एक्स, इंक्रीज करेंगे तो एक्स प्लस 3 ये हो जाएगी नई लेंथ। और क्या करना है ब्रिथ को डिक्रीज कर दे 4 मीटर, लेंथ इंटू ब्रिथ, तो ब्रिथ क्या थी पहले वाई और अभी क्या करना है डिक्रीज करना है 4 मीटर, तब क्या होगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाई 67 स्क्वायर मीटर। तो एरिया कम हो जाएगा कितना 67 स्क्वायर मीटर। तो लेंथ इंटू ब्रिथ करेंगे तो एरिया आएगा, पहले एरिया एक्स वाई था अभी इससे ये कम हो गया कितना 67। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई आ गया, एक्स को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4x, प्लस 3 को वाई से मल्टीप्लाई किया +3y, और प्लस 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 3 12 इक्वल टू एक्स माइनस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट हो जाएगा क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से अपनी इक्वेशन है -4x प्लस 3y इक्वल टू ये -12 है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा और जो अपना -16 था वो -16 ही है। तो अपने पास जो इक्वेशन है वो है -4x प्लस 3y, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 7 में से 2 गया 5, 6 में से 1 गया 5 और ग्रेटर नंबर माइनस का है तो -55। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी टाइप से केस सेकंड की बात करेंगे। केस सेकंड में क्या हुआ इफ़ द लेंथ इज रिड्यूस बाई 1 मीटर, इस बार लेंथ जो थी एक्स थी उसमें से 1 इसको रिड्यूस कर दिया कम कर दिया और जो ब्रिथ थी वाई उसको क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया 4 मीटर, तो वाई प्लस 4, तब क्या होगा लेंथ इंटू ब्रिथ, तो एरिया आएगा और एरिया क्या हो गया इंक्रीज बाई 89 मीटर। तो पहले एरिया एक्स वाई था वो इंक्रीज हो गया कितना 89। एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई आ जाएगा, एक्स को प्लस 4 से करेंगे तो प्लस 4x आ गया, -1 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई और -1 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 89। तो एक्स वाई से वही एक्स वाई कट हो जाएगा तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो हो गई अपने पास 4x माइनस वाई, ये -4 इधर आ जाएगा तो 89 प्लस 4, तो 4x माइनस वाई इक्वल टू ये हो गया अपने पास 93। तो ये अपनी सेकेंड इक्वेशन है। हम लोग चाहते तो यहाँ से 4x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते थे क्योंकि इधर भी अपने पास 4x आ रहा था, तो दोनों को इक्वल कर लेते। इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन यहाँ पे -4x है, ये प्लस का 4x है, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को प्लस करेंगे तो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है -4x प्लस 3y इक्वल टू 55 और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 4x माइनस वाई इक्वल टू 93 और ये माइनस का 55 है -55। तो दोनों को प्लस करना है तो ये -4x कट गए, +3y -y तो अपने पास रह गया 2y, इधर 93 है -55 तो 93 में से माइनस कर लेंगे 55 तो अपने पास कितना रह जाएगा ये 13, 13 में से 8 गया अपने पास, 13 में से 5 गया तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर अपने पास हो गया ये रह गया 8, 8 में से 5 गया 3 तो यहाँ पे y इक्वल टू 38/2, तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई 19। तो y हम लोगों ने निकाल लिया 19, तो y क्या था ब्रिथ, ब्रिथ की वैल्यू अपने पास आ गई है 19 मीटर, ब्रिथ कितना था 19 मीटर। तो x की भी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे 4x माइनस y की जगह लिखेंगे 19 इक्वल टू 93, तो 4x इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 93, ये माइनस में था तो प्लस में 19 आ जाएगा, तो 4x इक्वल टू 9 और 3 हो गए 12, यहाँ पे 10, 10 और 1 हो गया 11, तो x इक्वल टू 112/4, 4 आ जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 4 2 8, यहाँ पे आ गया 4 8 32, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 28। तो जो अपने पास लेंथ थी, लेंथ x थी वो कितनी आ गई 28 मीटर। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से आंसर आ ही जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा काम था, लेंथ और ब्रिथ हम लोगों ने मान ली, फिर जैसे जैसे उसने कहा कि लेंथ को इंक्रीज कर दो ब्रिथ को डिक्रीज कर दो तो एरिया कितना डिक्रीज होगा वो पहले वाले से डिक्रीज हो जाएगा, तो पहले एक्स वाई था क्योंकि एक्स और वाई के अकॉर्डिंग एक्स वाई आएगा एरिया। इसी तरीके से दूसरा केस बनाएंगे और दोनों दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों को हम लोग कैसे भी सॉल्व करें आंसर आ जाएगा।
तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो समझ आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।